नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो और वो रिश्ता टूट जाता है तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आपको हर जगह वही एक इंसान दिखाई देता है। मोबाइल पर बजी हर एक घंटी उसी का कॉल लगती है, फोन पर बजी हर एक बीप उसका मैसेज लगती है। आपके लिए खुद को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो शख्स जिससे आप इतना प्यार करते थे और वो आपसे इतना प्यार करता था, वो अब आपके साथ नहीं है। सुशांत के जाने के बाद उनके करोड़ों चाहने वाले, उनके फैंस का भी यही हाल था। लोगों ने YouTube पर मौजूद उनका हर एक वीडियो देखा, उनकी हर फिल्म दोबारा देखी, उनके गानों को लूप पर सुना, टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक उनसे जुड़ी हर एक खबर को फॉलो किया। सुशांत के जाने के बाद उन्हें देखने और जान लेने की प्यास इतनी बढ़ गई कि उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। अब इन सब इमोशंस के बीच सुशांत की एक नई फिल्म को देखना कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा, आप खुद ही समझ सकते हो। वो भी एक ऐसी फिल्म जो प्यार, जज्बात और मौत की कहानी बताती है, जो बताती है कि लाइफ कितनी है इस पर तो हमारा बस नहीं है, लेकिन उसे कैसे जीना है ये पूरी तरह हमारे हाथ में ही है। सुशांत भी इस फिल्म में मैनी नाम के एक ऐसे लड़के का किरदार निभा रहे हैं जो खुद कैंसर से जूझ रहा है, मगर वो किजी नाम की एक ऐसी लड़की को चेयरअप कर रहा है जो खुद भी कैंसर से जूझ रही है। सुशांत को पता है कि उसके पास ज्यादा जिंदगी नहीं है, लेकिन वो उसे ऐसे जीते हैं मानो जितनी भी जिंदगी है उसमें वो सब कुछ कर लेना चाहते हैं। मैनी एक बिंदास लड़का है जिसे हर वक्त मजाक करना पसंद है, दिल की बात कहने से हिचकिचाता नहीं है, रजनीकांत का दीवाना है। वहीं किजी थोड़ी संजीदा किस्म की है, वो तड़क भड़क के बजाय मीनिंगफुल म्यूजिक सुनती है। इससे पहले कि मैं फिल्म पर आगे बात करूं, ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि इस फिल्म को फिल्म की तरह देखा ही नहीं जा सकता। आपके लिए यकीन करना मुश्किल होता है कि पर्दे पर मैनी का किरदार निभा रहा ये शख्स अब हमारे बीच नहीं है। ये देखकर आपको बुरा लगता है कि जो शख्स फिल्म में इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद खुद को इतना मोटिवेटेड रख रहा है, वो असल जिंदगी में खुद कितना परेशान और अकेला महसूस कर रहा था। खैर, मैनी और किजी जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे को बदलने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, बावजूद ये जानते हुए कि उनके प्यार की उम्र बहुत लंबी नहीं है। फिल्म में डार्क ह्यूमर के जरिए मौत पर कई दफे मजाक भी किया गया है। रहमान साहब का संगीत इस संजीदा फिल्म के इमोशंस को और संजीदगी से बाहर लाता है। फिल्म में कुछ खामियां भी हैं, लेकिन फिल्म में सिर्फ सुशांत का होना ऐसी किसी भी खामी पर ज्यादा देर तक आपका ध्यान टिकने नहीं देता। फिल्म के आखिरी 15-20 मिनट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बेहद इमोशनल। जो मैनी पूरी फिल्म में किजी की सेहत, उसके सपनों, उसकी खुशियों की बात करता है, एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी खुद की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, मगर यहां भी वो अपनी जिंदा दिली छोड़ता नहीं है। वो थिएटर जाकर अपने पसंदीदा रजनीकांत की फिल्म देखता है, वहां उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है, मगर फिर भी वहां से जाना नहीं चाहता। फिर एक दिन वो किजी को फोन करके चर्च बुलाता है। मैनी चाहता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड और किजी उसे मंच पर चढ़कर यह सुनाएं कि उसके मरने के बाद वो उसके बारे में क्या कहेंगे। इस सीन में किजी जब मैनी की तारीफ करते हुए रो पड़ती है तो आपके लिए भी खुद को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी मौत से पहले दोस्तों की तरफ से खुद के बारे में की गई अच्छी बातों को सुनते सुशांत का चेहरा आपसे देखा नहीं जाता। आप पर्दे और असल जिंदगी में फर्क नहीं कर पाते। यह सीन किसी को भी तोड़ देने की हद तक इमोशनल है। खैर, इसके बाद फिल्म में क्या होता है, सुशांत का किरदार बचता है या नहीं, किसी का क्या होता है, यह जानने के लिए मैं चाहूंगा कि आप इस फिल्म को जरूर देखें। लेकिन इस आखिरी सीन ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। फिल्म में मैनी की जिद पर उनका दोस्त और किजी उसके सामने उसे ये बताते हैं कि मैनी उनके लिए क्या मायने रखता है, वो दोनों ही उसे कितना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ काश सुशांत ने असल जिंदगी में भी अपने चाहने वालों को एक बार ऐसा मौका दिया होता। उनके करोड़ों फैंस जो आज उनके जाने के इतने दिनों बाद भी खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, अगर सुशांत जान पाते कि लोग उनसे कितना प्यार करते थे तो वो शायद कभी ऐसा कदम नहीं उठाते। बेशक उनकी लाइफ में ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने सुशांत को बहुत हर्ट किया होगा, लेकिन सुशांत के चाहने वालों के सामने तो उनकी तादाद कुछ भी नहीं थी। और दोस्तों, एंड में मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आप भी लाइफ में कभी किसी की बात से हर्ट हुए हो, किसी के बिहेवियर से दुखी हुए हो और अपने बारे में अगर बुरा सोचने लगे हों, तो उससे पहले बस एक बार उन लोगों के बारे में जरूर सोच लीजिएगा जो आपको सच में बहुत प्यार करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके माँ बाप। मतलब कुछ बुरे लोगों की वजह से खुद के साथ गलत कर लेना उन चाहने वाले लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जिनका प्यार उस नफरत से कहीं ज्यादा बड़ा है, स्पेशल है। बाकी मेरा अब भी ये दिल नहीं मानता कि सुशांत खुद के साथ इतना बुरा कर सकते हैं, लेकिन सच में अगर ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है तो इस बात की तकलीफ हम सबको जिंदगी के रहने तक रहेगी। और चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो जीवन में जीना चाहें मुश्किलों से नहीं डरा करते हैं, तुझको देखा तब ये जाना किरदार नहीं मरा करते हैं। मिस यू मैनी।
मिस यू सुशांत।